सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश। अब की बार तीसरी बार एक और महामुकाबला है आज, इंडिया बनाम बांग्लादेश। जी हां, 2007 विश्व कप में चोट देने वाली वो टीम के साथ आज मुकाबला है जिसने पहले राउंड में ही 2007 विश्व कप में भारतीय टीम को विश्व कप से बाहर किया था। कई उलटफेर इस वर्ल्ड कप में देखने को मिले हैं और ये मैच उस लिहाज से बहुत बड़ा है क्योंकि बांग्लादेश से जब जब मुकाबला हुआ है तब तब धड़कनें तेज हुई हैं। और अगर पिछले मुकाबले की बात कर ले, एशिया कप के मुकाबले में, तो बांग्लादेश ने भारतीय टीम को मात दी थी। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व रणजी प्लेयर आमिर हाशमी स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमिर भाई। और सबसे पहली बात, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि फैसला उन्होंने लिया है, विकेट को देखा होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में आप देखिए कुछ कुछ फैसले बड़ी टीमें गलती कर रही हैं। पिछले मैच में जैसे इंग्लैंड ने टॉस जीत के की थी, तो वो मुझे लगता है उनका डिसीजन होगा। विकेट को उन्होंने अच्छे से रीड किया है क्या है, तो वो तो मैच जब स्टार्ट होगा तब देखा जाएगा कैसा उनका फैसला है। हालांकि टॉस के दौरान रोहित शर्मा ने, भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि मैं गेंदबाजी करना चाहता था। एक तरफ जहां बांग्लादेशी टीम बल्लेबाजी करना चाहती थी, दूसरी तरफ पिच को क्या दोनों ने अलग अलग पढ़ा है? होता है कभी कभी टीमें मिसरीड कर लेती हैं विकेट को, बड़ी बड़ी टीमें। आप कभी वैसी गलती करते हैं जिससे आप मैच हारते हैं, तो ये गलतियां कभी कभी हो जाती हैं और वो इस टूर्नामेंट में भी आपको देखने को मिला है। और एक बहुत बड़ा ब्लो है बांग्लादेशी टीम के लिए, उनके सबसे मंझे हुए खिलाड़ी शाकिब अल हसन आज टीम में नहीं है, ये कितना बड़ा लॉस है? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ही की प्लेयर है अपनी टीम के लिए और बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी में भी अपनी टीम को योगदान देते हैं और गेंदबाजी भी उतनी अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बांग्लादेश के लिए, उनका नहीं खेलना एक बहुत बड़ा नुकसान। और एक बार शंटो को इस बार कप्तानी मिली और बड़े मुकाबले में कह सकते हैं कप्तानी मिली है, क्योंकि शंटो ने जिस तरह से टॉस के दौरान कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने देश को विश्व कप में रिप्रेजेंट करते हुए। हालांकि किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत गौरव का क्षण होता है अपने देश को खास करके विश्व कप में रिप्रेजेंट करना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और वो भी विश्व कप में, वर्ल्ड कप में अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, अपनी कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सौभाग्य की बात होती है। और अगर देख ले, अगर हम पहले गेंदबाजी करेगी भारतीय टीम, पिच की बात कर ले तो थोड़ी सी घास नजर आई थी पिच पर, ग्राउंड ओपन है, तो क्या लगता है तेज गेंदबाजों को शुरुआती दौर में फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मूवमेंट होगा। अगर विकेट में ग्रास है तो सीम भी गेंद होती है, और अगर स्टेडियम खुला होता है, हवा चलती है, तो उससे गेंदबाजों को बिल्कुल मदद मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसका। हालांकि पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि नया गेंद पुराना गेंद कुछ नहीं होता, पुराने गेंद के बाद भी अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक स्विंग की बात है, आप स्विंग हमेशा एयर में होता है, जब आप गेंद को रिलीज करते हैं तो स्विंग एयर में होता है, उससे विकेट को कोई खास मतलब नहीं होता, थोड़ा कंडीशन जरूर उसको मदद करता है, लेकिन स्विंग हमेशा सीम ऑफ आफ्टर पिचिंग होता है, तो उसमें क्या होता है जब विकेट में ग्रास होता है तो सीम ज्यादा होता है। और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आ गई है, रोहित शर्मा, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, बिना किसी बदलाव के साथ भारतीय टीम इस बार फिर मैदान में उतरी है। वहीं अगर बांग्लादेशी टीम की बात कर ले तो एक बदलाव देखने को मिला है, शकीब अल हसन की जगह शंटो को कप्तानी मिली है। और आपको बताते चले कि नसुम हसन आए हैं, हसन को जगह मिली है तस्कीन की जगह पे, मतलब दो बदलाव किए गए हैं टीम में, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बदलाव और वो टीम जो पुरानी टीम थी, क्या अंतर हो सकता है? नहीं, बदलाव तो उनका एक मजबूरी वाला बदलाव है, अगर शाकिब अल हसन या तो फिट नहीं होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी इसलिए वो नहीं खेल पा रहे, तो ये तो एक मजबूरी वाली बदलाव है। और तस्कीन अहमद को उन्होंने जो रिप्लेस किया है, तो विकेट और सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए, ओपोनेंट को देखते हुए उन लोगों की कुछ प्लानिंग होगी, इसलिए उनको ये किया है। हालांकि पिछले मुकाबले की अगर बात कर ले, जो एशिया कप में भारतीय टीम और बांग्लादेशी टीम की भिड़ंत हुई थी, उस मुकाबले में बांग्लादेशी टीम ने बाजी मारी थी, उसमें हृदय ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। शकीब अल हसन चूंकि टीम में नहीं है तो उनके बारे में कम चर्चा होगी अभी के लिए, क्योंकि वो बड़े प्लेयर है तो उनकी चर्चाएं होते रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हृदय,
जो एक अंडररेटेड बल्लेबाज बांग्लादेश की ओर से देखे जा रहे हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वर्ल्ड कप में आपका सिलेक्शन हो रहा है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में आप वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, तो आप अच्छे प्लेयर हैं, आप उस लेवल पे परफॉर्मेंस कर चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना परफॉर्मेंस आप करते हैं, तभी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलता है। और वर्ल्ड कप जैसी टीम में आपको मौका मिला है, तो आपके अंदर जरूर वो काबिलियत है जिसकी वजह से आपको मौका मिला है। और बल्लेबाजी की अगर बात कर ले, लिटन दास अच्छे बल्लेबाज, महमूदुल्ला एक्सपीरियंस के साथ उतरेंगे, मुस्फिकर एक्सपीरियंस के साथ उतरेंगे, तो ये टीम जो है कहीं ना कहीं एक बैलेंस साइड है, और इसको कम आंकना किसी भी टीम के लिए बेवकूफी होगी। नहीं, बिल्कुल कम आंकना तो किसी भी टीम को नहीं चाहिए वर्ल्ड कप में, खासकर जो टीमें आती हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए आती हैं, तो किसी टीम को कम आंकना नहीं चाहिए। और अभी आपने पीछे देखा मैचेस में इंग्लैंड जैसे हारी, साउथ अफ्रीका जैसे हारी, तो कोई भी टीम हल्की नहीं होती, और बांग्लादेश की टीम बहुत बैलेंस टीम है, उनका बैटिंग भी बहुत अच्छा है। पिछले मैचेस की बात की जिसमें उलटफेर हुए हैं, तो नीदरलैंड की बात कर ले, नीदरलैंड ने जो किया है बिल्कुल वो सराहनीय था, वो मैच उनके लिहाज से बहुत बड़ा था, क्योंकि नीदरलैंड के बारे में आपको बता दें आमिर भाई, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, वो सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट्स पे वो ज्यादा निर्भर रहते हैं। इसके बाद सारे प्लेयर्स एक साथ आए, विश्व कप में जगह बनाए, विश्व कप में आए, अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को तोड़ दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जब नीदरलैंड पहले बैटिंग कर रही थी तो आप एक समय में देखेंगे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स जैसा आप देख रहे हैं 78 नॉट आउट किया, और वेंडर मर्वे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, तो उन्होंने और गेंदबाजी तो वो करते ही है, वो तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, तो मैं कह रहा हूँ एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ गए। और साउथ अफ्रीकन बैटिंग की जहां तक आप बात करेंगे, तो थोड़ी मुझे साउथ अफ्रीकन बैटिंग बहुत गैर जिम्मेदाराना लगी, कैजुअल अप्रोच लगा। सवाल साउथ अफ्रीकन कैप्टन को लेकर बार बार उठ रहा है कि जिस तरह से कप्तानी हो रही है, वो एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से बैलेंस साइड है साउथ अफ्रीका, लेकिन लीड उस हिसाब से नहीं किया जा रहा है, बबुमा को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना है, जब आप कप्तान होते हैं तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट जो बोलते हैं ना, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, तो अगर अब वो आप नहीं करेंगे तो आवाज उठेगी, और जबकि वो हालांकि बहुत दिनों से कप्तानी कर रहे हैं जी बिल्कुल, लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में कोई खास प्रदर्शन उनका नहीं है, इस वजह से भी बातें हो रही हैं, और जिस तरह से प्रदर्शन उस मैच में हुआ है अगेंस्ट नीदरलैंड, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशानी वाली बात तो है। बहुत बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला था अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जिस तरह से राशिद खान ने परफॉर्म किया, और चूंकि राशिद खान बड़े प्लेयर है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर है, गुरबाज ने 80 रन की पारी खेली थी, आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड जो हाईलाइट्स है मैच का वो स्क्रीन पर है, रहमान ने अच्छी पारी खेली थी और अलिखिल ने अच्छी पारी खेली थी, हाफ सेंचुरी लगाया था। वहीं गेंदबाजी की बात कर लें, राशिद खान ने 42 रन देकर 3 विकेट लिए थे, वुड ने 50 रन देकर 2 विकेट लिए थे, माफ कीजिएगा ये थोड़ा ग्राफिक्स में उलटफेर हो गया, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राशिद खान ने जिस तरह से 3 विकेट लिए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण 3 विकेटें थी, और हमेशा से राशिद खान को एक बड़ा प्लेयर के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और अफगानिस्तान जैसे मैंने पहले भी बताया, गुरबाज उनके बहुत ही अहम बल्लेबाज है, सर्कल का बहुत अच्छा यूज करते हैं, पावरफुल प्लेयर है, लंबे छक्के मारते हैं, तो उनका उन्होंने जो शुरुआत दी 80 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके वजह से अफगानिस्तान ने बहुत ही हैंडसम टोटल 284 रन का किया, और इंग्लैंड, और मैं यही अभी बात कर रहा था कि कभी कभी बड़ी टीमें भी एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसके वजह से आपको खामियाजा, तो इंग्लैंड ने उस दिन जो टॉस जीता, माफ कीजिएगा, जिस राशिद का स्कोर कार्ड में जिक्र है वो आदिल रशीद है बिल्कुल, हम वही कंफ्यूज हो गए, और नीचे अगर हम देखें हाइलाइट्स में तो राशिद खान ने 37 रन देकर 3 विकेट, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा था कि इंग्लैंड उस दिन, मुझे भी मतलब हैरानी लगी कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी क्यों नहीं की, तो कभी कभी उनका बहुत अच्छा, इतनी बड़ी टीम है, अच्छे थिंक टैंक्स हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़ी टीमें भी ऐसी गलती करती है जिसके वजह से टीम हारती है जी बिल्कुल। और अब भारतीय बल्लेबाजी की बात कर ले, रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में, कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, हमने पिछले मैच में शुभमन गिल को देखा था, छोटी सी पारी लेकिन बेहद आकर्षक पारी, और देख सकते हैं 3 मैच का आंकड़ा है हमारे कप्तान का रोहित शर्मा का, 3 मैचेस में 217 रन और एवरेज 72 का, हाई स्कोर 131 का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर एक प्लेयर के लिहाज से देखा जाए
तो दो मैच तीन मैचेस में 217 रन है, हालांकि एक मैच में शून्य के स्कोर पर वो आउट हुए थे। तो कह सकते हैं मैच दो मैचेस में 217 रन, बहुत बड़ी पारी खेली है रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में। रोहित शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जैसे हम लोग पीछे भी बात करते हैं, पहले भी बात करते आए हैं, ओपनिंग में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो जब स्टार्ट देते हैं टीम को तो बहुत तेज शुरुआत देते हैं और उनके पास इतना रेंज ऑफ शॉट्स है, पुल बहुत अच्छा मारते हैं, सामने बहुत अच्छा मारते हैं, लिफ्ट बहुत अच्छा मारते हैं। तो उनकी जब बल्लेबाजी शुरू होती है और सर्कल में दो फील्डर ही बाहर होते हैं, बैकफुट पे कर देते हैं पूरी ओपोनेंट टीम को और बॉलर्स को। जो कहा जाता है कि नई गेंद से अगर बॉल हरकत करनी शुरू करती है, रोहित शर्मा ने इस बार जो विश्व कप में रूप दिखाया अपना, डिफेंस छोड़ चुके हैं, पहली गेंद से प्रहार करते हैं, लाइन लेंथ बॉलर का बिगाड़ देते हैं, नई गेंद पुरानी हो जाती। एक बात मुझे याद आ रहा है, वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली के बात में यह जिक्र हो रही थी कि सौरभ गांगुली वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं नई गेंद है, छोड़ो बॉल पुराना करो करो, तो वीरेंद्र सहवाग कहते हैं बॉल तो और दूसरे तरीके से भी पुराना किया जा सकता है, उस बॉल को इतना मारो कि वो बॉल जल्दी पुराना हो जाए। वही रोहित शर्मा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है बॉल पुरानी, आप जब अच्छे शॉट शुरू में स्टार्टिंग स्पेल में जब नई गेंद से बॉलर आते हैं उनको वैसी मार पड़ जाती है तो बॉलर बैकफुट पे चले जाते हैं, पूरी टीम बैकफुट पे चली जाती है और इसका एडवांटेज मिलता है बैटिंग साइड को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ओपनिंग में। और विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़ा नाम, और अगेंस्ट बांग्लादेश उनका जो करियर है, स्टैट्स रहा है, वो बहुत आकर्षक रहा है। हालांकि इस तीन मैचेस के जो स्टैट्स हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तीन मैचेस में 156 रन, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत खूबसूरत पारी, पाकिस्तान के अगेंस्ट हालांकि उतनी बड़ी पारी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने खेला था, जिस तरीके से एवरेज 78 का, हाई स्कोर 85 रन, 250 तीन मैच में, क्या कहेंगे विराट कोहली? विराट कोहली है, वो रन मशीन है इंडियन टीम के लिए, हमेशा हम लोग बात करते हैं। बस एक चीज मिसिंग है विराट कोहली के इस तीन इनिंग में कि उनका 100 नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज विराट कोहली का 100 जरूर लगेगा। और उम्मीद तब जताई जाएगी जब बांग्लादेशी टीम उस हिसाब से स्कोर करे, क्योंकि भारतीय गेंदबाज जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सिराज हो, कुलदीप हो, बुमराह हो, सभी लगातार, और पिछले मुकाबले की अगर बात कर ले तो सारे गेंदबाजों ने दो दो विकेट बांट लिया था। तो एक हिसाब से जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज फॉर्म में है, उतना बड़ा स्कोर क्या बांग्लादेश रख पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी इंडियन टीम करंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश बहुत बड़ा टोटल कर पाएगी। कोशिश करेगी इंडियन टीम उनको भी 250 के अंदर रखे और आराम से चेस करे। एक बदलाव देखने को मिला है, हालांकि इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, मुझे लगने लगा है कि जो हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज बैटिंग ऑलराउंडर की थी, पिछले दो मैचेस को देख ले तो अब लगता है वो बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए। 140, 42, 43 लगातार उनका जो गति है, उनके गेंदबाजी में जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रहा है। उनका टीम में होना इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। एक गेंदबाज की पूरी कमी को पूरी कर देते हैं, 140 प्लस डालते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब बल्लेबाजी करने आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो वहां पे उनके पास इतने रेंज ऑफ शॉट्स है, पावरफुल प्लेयर हैं, लंबे छक्के मारते हैं, जिसकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और की प्लेयर हैं और रहेंगे भी इस वर्ल्ड कप में पूरी इंडियन टीम के लिए। इनको लेकर सवाल उठते थे कि ये मैच्योर प्लेयर नहीं है, बड़े मैचेस में संभल कर नहीं खेलते, लेकिन एशिया कप में अगेंस्ट पाकिस्तान जिस तरह से उन्होंने और ईशान किशन ने, हार्दिक पांडे और ईशान किशन ने पारी को संभाला था, काबिले तारीफ थी। और लग रहा है ऐसा कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा लोअर बैटिंग ऑर्डर को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और हार्दिक पांड्या अब इतने मैच्योर, मेंटली बहुत टफ प्लेयर है, हर सिचुएशन में बहुत ही कूल रहते हैं, उनको पता होता है सिचुएशन उनको कैसे हैंडल करना है, और बहुत ही कूल और कंपोज रहते हैं, ये उनमें सबसे बड़ी खासियत है, चाहे वो गेंदबाजी कर रहे हो या बल्लेबाजी कर रहे हो। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या का हमने जिक्र किया, कुलदीप यादव की बात करेंगे। कुलदीप यादव की गेंद जिस तरह से टर्न कर रही है, दूसरे बल्लेबाजों को, दूसरे टीम्स के बल्लेबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कुलदीप की गेंद कौन सी गेंद वो एक्चुअल लेग स्पिन होगी, कौन सी गेंद दूसरा होगा, कौन सा गेंद जो है वो ड्रिफ्ट करता हुआ निकल जाएगा, किसी भी बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, इसमें और हम लोगों ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बात की थी कि इंडिया स्पिनर में सबसे की स्पिनर रहेंगे कुलदीप यादव, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, करते हुए आ रहे हैं, और अभी इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में, रिस्ट स्पिनर है, तो उनकी गेंदों में बहुत अच्छा रोटेशन है, टर्न होता है गेंद, और जब वो गुगली मारते हैं तो वो चीज़ उनके, और उनका लाइन और लेंथ
बहुत ही अच्छा जिससे वो बैट्समैन को डिसीव करते हैं। हम जिक्र कर रहे थे भारतीय टीम के बारे में, हम मुस्तफिजर रहमान के बारे में चर्चा करेंगे, बांग्लादेशी बॉलर जो मेरे लिहाज से आज के मैच में बुमराह के बाद सबसे बड़े गेंदबाज हैं। और मुस्तफिजर रहमान जिस तरह से बॉल पुरानी होने के बाद स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि विश्व क्रिकेट में स्लोअर बाउंसर का इजाद उन्होंने ही किया था। तो क्या लगता है जब गेंद पिच पुरानी होगी दूसरे इनिंग में, ये स्लोअर बाउंसर और स्लोअर डिलीवरी कितना काम आता है? स्लोअर बिल्कुल काम आता है, जब गेंद पुरानी होती है तो उसको पेस कम हो जाता है, बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है। और मुस्तफिजुर रहमान में एक चीज अच्छी कि पुरानी गेंद से जैसा आपने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी स्लोअर बाउंसर मारते स्लोअर करता है, उनका यॉर्कर भी बहुत अच्छा है जी बिल्कुल, तो स्लॉग ओवर्स में भी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और करते आ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं बांग्लादेश। आज बांग्लादेश की टीम की ओर से आपके हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच फॉर कौन होंगे? बैटिंग में मुझे ऊपर में लिटन दास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके मिडिल ऑर्डर में प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, और बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं और हमेशा से अच्छा करते हैं, बहुत की प्लेयर हैं बिल्कुल, और विकेट कीपर बल्लेबाज है, उनका एक टीम में अलग ओहदा है। महमदुल्ला एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर का है, काफी एक्सपीरियंस है, और कह सकते हैं कि शकीबल हसन चूंकि टीम में आज नहीं है तो महमदुल्ला का रोल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, और काफी पुराने प्लेयर हैं, लगातार खेलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं लोअर ऑर्डर में आकर, उनके पास भी रेंज ऑफ शॉट्स अच्छा है, अच्छी बैटिंग करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग बॉल डालते हैं, तो वो उनकी टीम के लिए की प्लेयर है। ठीक है, ऑफ स्पिन का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि सेकेंड इनिंग्स में इनकी गेंदबाजी आएगी, पिच भी पुराना हो गया होगा, लेफ्ट हैंडर बस एक ही है इंडियन टीम में, रविंद्र जडेजा, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां तक बल्लेबाजी ना पहुंचे तो बेहतर होगा, लेकिन राइट हैंडेड बैट्समैन पर चूंकि ग्राउंड खुला हुआ है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है, ओस आने के चांस बहुत हैं, तो ऐसे में क्या महमूदुल्ला का गेंद इतना कारगर होगा? नहीं, मैं अगर जैसे आपने ड्यू की बात की, अगर ड्यू आता है तो बॉलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि बॉल जब भीग जाता है और सीम जो बॉल का होता है वो जब भीग जाता है तो आप बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, और ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो आपको उतना टर्न नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ है कि जब गेंद भीग जाती है, ड्यू गिरता है, तो गेंद विकेट पे स्किट करके आती है जिससे बल्लेबाजी बहुत आसान हो जाती है, बिल्कुल, तो बाद में अगर ड्यू फैक्टर है तो स्पिनर्स को बहुत दिक्कत होती है गेंदबाजी, क्योंकि हम वेदर रिपोर्ट देख रहे थे, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बात भी कर रहे थे कि 44% ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी 44% है तो निश्चित तौर पर ओस आना लाजमी है, और ओस आने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों को कितनी परेशानी होगी ये तो खैर दूसरी इनिंग में पता चलेगा, लेकिन पहली इनिंग में इंडियन टीम की ओर से कौन कौन से गेंदबाज आपको लग रहा है कि इस मैच में मैच के हीरो बनेगा? एक नाम बताए कि कौन सा गेंदबाज आज मैच का हीरो बनेगा? मैच का हीरो नई गेंद से तो जसप्रीत बुमराह है, वो तो हीरो रहेंगे ही, और स्पिनर में कुलदीप यादव, और शार्दुल को लेकर तरह तरह के बातें हो रही है, शार्दुल को लेकर कहा जा रहा है कि जब बैटिंग ऑर्डर इतने अच्छे फॉर्म में है तो क्या एक और अतिरिक्त स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ नहीं खेला जा सकता है? ये हम लोगों ने पहले ही बात की कि पिच के कंडीशन को देखते हुए, ओपोनेंट को देखते हुए तभी टीम डिसाइड होती है, बात हम लोग जरूर करते हैं कि ये खेल, लेकिन पिच का क्या है, अगर बहुत ज़्यादा गेंद टर्न नहीं होती है तो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का कोई फायदा नहीं है, मीडियम पेसर जैसे आपने शुरू में बोला कि हल्की घास है विकेट में, तो इसमें तो एक पेस बॉलर के साथ और जा रहे हैं, पेस बॉलर के साथ जा रहे हैं, लेकिन शामी क्यों नहीं, जब बैटिंग ऑर्डर आपका टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी फॉर्म में है, आपके 8वें नंबर तक बल्लेबाज है, तो उसके बाद शमी को जगह क्यों नहीं, बल्ले घुमाने तो वो भी जानते हैं। नई गेंद से दो गेंदबाज बुमराह और सिराज अच्छी डाल रहे हैं, अब जब थोड़ी गेंद पुरानी होती है उनको एक गेंदबाज जब फर्स्ट चेंज में या सेकंड चेंज, तो हार्दिक पांड्या डालते, इसलिए उन्होंने ऑप्ट किया है शार्दुल ठाकुर को कि वो पुरानी गेंद से अच्छी डालते हैं, उनको भी स्लोअर गेंद अच्छी, स्लोअर बाउंसर अच्छा मारते हैं, और एक और एडवांटेज है कि उनकी बल्लेबाजी भी मोहम्मद शमी से अच्छी है, तो ये एक वो अच्छी है। हाँ। हम इस पर बात भी करें तो शार्दुल ठाकुर नो डाउट बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। हम अगेंस्ट अफगानिस्तान 2019 विश्व कप के उस मैच की बात करेंगे, मैच फंसता नजर आ रहा था, पुरानी गेंद से ही मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं, हैट्रिक लेते हैं, मैच का पासा पूरी तरह से पलट देते हैं, तो क्या उन चीजों को अभी दरकिनार किया जा रहा है, क्या उन चीजों को अभी दिमाग में रखा नहीं जा रहा है, या फिर ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? नहीं, वैसी बात नहीं है कि ध्यान में नहीं रखा जाता, शमी की जैसे आपने बात की बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि उनका रिस्ट पोजीशन इतना अच्छा रहता है, बहुत कम गेंदबाज है जिनका इतना अच्छा रिस्ट पोजीशन, मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व क्रिकेट में
अभी करंट विश्व क्रिकेट में सीम पोजीशन उनके जैसे किसी खूबसूरत है? बिल्कुल, इसमें कोई मैं बोल रहा हूँ, जितनी अच्छी आपकी रिस्ट पोजीशन रहेगी उतना अच्छा सीम पोजीशन रहेगा। तो वो इसमें मास्टर हैं, नई गेंद से उनकी गेंद इतनी अच्छी रिलीज करते हैं कि गेंद को वर्क करना ही करना, और पुरानी गेंद से ही बहुत अच्छी बात है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत बड़े बॉलर है, बहुत सारे प्रदर्शन उन्होंने देश के लिए किया हुआ है जैसे अभी आपने बात भी की, तो वो बहुत अच्छे। लेकिन अभी टीम कॉम्बिनेशन और ओपोनेंट और पिच और वेदर कंडीशन सब कुछ देखते हुए टीम 11 डिसाइड होती है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी आमिर भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस मैच पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों टीम के खिलाड़ी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही सेकंड में काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मैच शुरू होने वाली है। एक और बड़ा मुकाबला, और बड़ा मुकाबला भारतीय टीम के लिहाज से इसलिए क्योंकि ये जीत सेमीफाइनल के और नजदीक लेकर जाएगी। 9 मुकाबले में अगर आज के मैच में भारतीय टीम जीतती है तो ये चौथी जीत होगी और मैच एक मुकाबला सेमीफाइनल के दरवाजे पर इन्हें खड़ा कर देगा। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही, कुछ ही सेकंड में मैच शुरू हो रहे हैं, मैच का लुत्फ उठाइए और देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।